भाइयों, मैं मुबीन मंसूरी कृषि जागरण से आज हम आपके बीच में बात करने आए हैं कि फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना की आज जो हम बात करेंगे, आज हमारे साथ इसको बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं जो कि कृषि अर्थशास्त्र के शोध छात्र हैं। आज आइए हम उनसे जानते हैं कि फसल बीमा योजना क्या होती है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकित सोनी है और मैं कृषि छात्र का रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आज हम बात करते हैं फसल बीमा योजना पे। तो फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा सबसे पहले ये जानते हैं कि वो मिलती किस लिए है। फसल बीमा योजना है कोई भी एक अगर फार्मर्स अगर रिस्क ले रहा है तो उस रिस्क को कम करने के लिए और उसकी जो इनकम है इनकम को जनरेट करने के लिए वो इंश्योरेंस या प्रीमियम उसको एक किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा उसको दिया जाता है। सर ये बताइए कौन कौन सी फसल में हमको ये इससे फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है? जैसे अगर बात किया जाए तो फसल बीमा कई कैटेगरी में मिलता है। जैसे रबी फसल का अलग मिलता है, खरीफ का भी मिलता है और कमर्शियल फसलों का अलग मिलता है। जैसे अगर खरीफ फसलों की बात की जाए तो खरीफ फसलों का जो प्रीमियम है वो 2% है और रबी फसलों का जो प्रीमियम है वो है 1.5%। लेकिन अगर यही हम बात की जाए कमर्शियल फसल की, कमर्शियल फसल जैसे गन्ना, आलू और आदि जो भी जितनी भी कमर्शियल फसलें हैं तो उनको उनके लिए प्रीमियम जो दिया जाता है वो एजेंसी या कोई भी जो संस्था है वो संस्था के द्वारा 5% यानी कि 5% उसको दिया जाता है। अच्छा ये बताइए आपकी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आ जाती है और किन किन चीजों को किन किन चीजों का रिस्क ये कम करता है फसल बीमा? जैसे कि मान के चलते हैं अगर कोई भी क्रॉप लगी, जैसे अगर ये अपनी आज चने की क्रॉप लगी है, अगर चने की क्रॉप में कोई भी क्लाइमेटिक आपदा या फिर कोई भी बीमारी या फिर नेचुरल कैलामिटी या फिर बाढ़ या ओलावृष्टि कुछ भी हो सके जो नेचुरल कैलामिटी के उस आधार पे हो तो उसके द्वारा कोई भी फार्मर्स है वो फार्मर्स अपना क्लेम करके अपना इंश्योरेंस ले सकता है। सर ये बताइए कि जो आम किसान है वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकता है? आम किसान योजना का लाभ ऐसे ले सकता है, जैसे सब वो फार्मर्स है अगर उसकी फील्ड में कोई भी क्षति हो गई है तो वो क्षति होने से पहले वो क्षति होने के बाद वो किसी भी अपने या तो जो आरईओ होगा या पटवारी होगा या फिर जो आस पास का केवी के केंद्र होगा वहाँ वो संपर्क करेगा। वहाँ से कोई भी एक अधिकारी आएगा, वो अधिकारी अपना इंस्पेक्शन करेगा। उस इंस्पेक्शन के बाद वो रिपोर्ट लेके जाएगा कि जो आपकी फसल है वो फसल में कितने परसेंट तक आपका नुकसान हुआ है, कि वो 40% हुआ है, 30 हुआ है, 20 हुआ है, 50 हुआ है या 90 हुआ है। तो जो इंश्योरेंस है, एक बात छोटी सी बात और करना चाहता हूँ मैं, कि जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस 90% तक मिल सकता है। जैसे अगर सब कहीं बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या होता है कि पूरी फसल एक्यूरेट नष्ट होती है, तो चूंकि जब इंश्योरेंस होता है तो उस इंश्योरेंस में हमारी जो फसल है वो 90% तक उसमें इंश्योरेंस उसको मिल सकता है। आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज हमारे जो सर थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में बताया। देखिए जो हमारा खेती जो किसानी है इसे इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। कई बार पाला पड़ जाता है, कई बार अधिक बारिश हो जाती है तो किसान क्या होता है कई बार वो बीज खाद के पैसे लोन लेके लेता है और फसल खराब हो जाने से वो अपना लोन भर नहीं पाता है और जिससे कि कई बार किसान सुसाइड भी कर लेता है। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि फसल बीमा योजना से रिस्क को कम से कम कम हो जाता है और किसान भाई ने जो अपनी फसल के लिए बीज और खाद जो लगाया है उसका वो उस इंश्योरेंस के पैसे से उनकी तो पूर्ति कर सकता है। और आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।